हेलो रन, वेलकम टू मलिक टेक। आज एक न्यू फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो आपके कार्ड में होते हैं, जिसे कॉन्टेक्ट लेस सिंबल कहते हैं। ये होता है सभी के कार्ड में, आप देखते होंगे कॉन्टेक्ट लेस सिंबल। अभी जो वीजा मास्टर कार्ड जो आ रहे हैं, ज़्यादातर में आपको ये सिंबल मिलेगा। बहुत सारे लोग इसका यूज़ नहीं करते हैं, कैसे इस कॉन्टेक्ट लेस सिंबल का यूज़ करना है, तो आज इस वीडियो में लाइव डेमो करेंगे। मेरे पास यहाँ पर यूएस मशीन भी है, इसका कैसे यूज़ करना है, तो ये फीचर्स जानेंगे, लाइव डेमो देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं, हमारे पास जो है यहाँ पर एक POS मशीन है, इसका यूज़ करेंगे। और मेरे पास यहाँ पर एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड है, इसका मैंने कार्ड नंबर हाइड कर दिया है। और यहाँ पर देख सकते हैं NFC सिंबल आपको दिख रहा होगा। ये सिंबल आपको अभी सभी कार्ड में देखने को मिल जाएगा, वीज़ा मास्टर सभी, ये मेरा मास्टर कार्ड है। वीज़ा कार्ड में भी ये सिंबल होता है, आपका क्रेडिट कार्ड भी होगा, डेबिट कार्ड सभी में लगभग ये फीचर्स दी जाती है। अब इस फीचर का कैसे यूज़ करना है, आप बिना पिन का यूज़ किए हुए इस फीचर्स को आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए कैसे इसका यूज़ करना है। यहाँ पर जैसे ही सेल पे दबाएंगे, सेल में आपको ऑप्शन क्लिक करना है, कार्ड के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पर अमाउंट लिखनी है। तो अभी हम अमाउंट इसका 1 रुपीज़ लिखेंगे और यहाँ पर ग्रीन बटन दबाएंगे और सिर्फ कार्ड को मुझे ये करना है, देख वेव करना बस, ये देख सकते हैं। और यहाँ ट्रांजेक्शन ये हो जाएगा, ये अभी कनेक्ट हो रहा है, नेटवर्क वीक होने के कारण थोड़ा वेट हो रहा है। और ये देख सकते हैं यहाँ पर मेरे अकाउंट से पैसे कट गए आराम से, 1 रुपये। इस तरह सा रिसीविंग आपको निकल जाएगा। तो जैसे भी आप जहाँ भी शॉपिंग मॉल में यूज़ कर रहे हैं या कहीं भी आप यूज़ करते हैं, तो इस फीचर्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके कुछ टर्म एंड कंडीशंस भी हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपको यूज़ करना है। तो बहुत ही आसान तरीका है, आपको फिर से मैं बताता हूँ एक बार। ये फिर से आपको सेल पर दबाना है, खुद से कार्ड किसी को देने की ज़रूरत नहीं, कार्ड के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ अमाउंट लिखेंगे और यहाँ पर इंटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ सिर्फ कार्ड को आपको यहाँ पर सिर्फ वेव करना है, एक बार टैप किए बस ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हुए, ना मुझे पिन डालने की ज़रूरत पड़ी ना कुछ, यहाँ डायरेक्टली ये ट्रांजेक्शन हो गया। तो दोस्तों, जैसा कि आपने लाइव डेमो में देखा कि कैसे आप कॉन्टेक्स्ट लेस सिंबल का यूज़ करके इजीली ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी कार्ड स्वाइप करने की ज़रूरत नहीं, ना ही आपको अपना कार्ड का पिन डालने की ज़रूरत है। तो हाईली सिक्योर फीचर्स ये है, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशन बनाए गए हैं सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए कि मैक्सिमम 2000 ट्रांजेक्शन ही आप कर सकते हैं इस फीचर्स का यूज़ कर। लेकिन इन डे की बात कर, एक दिन में टोटल 10,000 रुपये का ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। पर ट्रांजेक्शन की लिमिट 2000 है, यानी कि आप 5 टाइम करेंगे 2,000 रुपये करके, तो 10,000 पेमेंट आप कर सकते हैं। तो 5 टाइम टैप करेंगे, 5 टाइम में पेमेंट आपका 10,000 रुपीज़ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप शॉपिंग मॉल या जहाँ भी आपको वॉइस POS मशीन ये मिले, वहाँ पर आप टैप कर पे इजिली कर सकते हैं। और हाईली सिक्योर फीचर्स है, इसमें कोई ये नहीं कि कोई भी इस मशीन को खरीद सकता है, क्योंकि बहुत लोग का क्वेश्चन होगा कि यहाँ पर कोई भी मशीन मेरे सामने सटाएगा और यहाँ पर पेमेंट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये मशीन सभी के पास अवेलेबल नहीं होता है, ये पेट्रोल पंप शॉपिंग मॉल जो भी मर्चेंट हैं उनको दिया जाता है जिनका रजिस्ट्रेशन होता है, सभी को ये ऐसे ही बांटा नहीं जाता है। अगर इस तरह का फ्रॉड होता भी है तो पकड़े जाएंगे, क्योंकि सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं इसमें, कहाँ पर ट्रांजेक्शन हुआ, किस कार्ड से ट्रांजेक्शन हुआ, ट्रांजेक्शन आईडी वगैरह भी होती, तो उसमें कोई यहाँ पर फ्रॉड होने के चांसेस नहीं है कि कोई भी आपका स्वाइप मशीन लेकर आएगा और आप सटा देगा और आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो हाईली सिक्योर फीचर्स हैं, तो आप इजिली इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं हमेशा इसी फीचर्स का यूज़ करता हूँ, क्योंकि ATM पिन वगैरह तो याद होता नहीं बहुत बार, तो आप कार्ड को टैप करके डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं शॉपिंग मॉल में या फिर कहीं भी आप यूज़ करते हैं, तो इजिली आप पेमेंट कर सकते हैं। आपको कार्ड नंबर या कार्ड स्वाइप कराने की ज़रूरत नहीं, ना ही पिन डालने की ज़रूरत है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी, मेरे चैनल पर ऐसे ही बैंकिंग से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहते हैं। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल और क्वेश्चन और क्वारीज है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।